तो एमबीबीएस 2022 एडमिशन के प्रोसेस में वही जो लोग ईएसआई के कोटे के लिए एलिजिबल हैं, मैंने पहले भी दो वीडियोस बनाए थे और मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो एक चीज रह गई है वो रह गई है कि वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का जो हमें अप्लाई करना है वो एप्लीकेशन भी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो इन्होंने वो जो 18 पेज का ब्रोशर निकाला हुआ था वो हम लोग काफी बार पढ़ी चुके हैं। मैं एक बार आपको क्विकली दोबारा खोलूं तो हमने इस ब्रोशर को हम गो थ्रू कर चुके हैं इन माय प्रीवियस वीडियो, तो दोबारा से मैं आपका समय नहीं लगाऊंगा इस चीज में। ये उनका वही था कि स्टूडेंट लिंक अभी तक लाइव क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि नीट का रोल नंबर नहीं मिला था। अब चूंकि नीट का रोल नंबर तो मिल चुका था तो मुझे लगा बच्चे अभी नीट देने में बिजी होंगे, तो नीट आपने दे दिया है। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है। ये वो लोग हैं जो ईएसआई के लिए एलिजिबल हैं, और फिर एक आपको टिप भी मिलेगी अगले साल के बच्चों के लिए। तो देखिए ये esi.nic.in एडमिशंस में ये चल रहा है, इसको आपको दबाना है नहीं तो आपको मिलेगा नहीं, और आपके सामने प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी वॉल्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, आप फ्रेशर हैं, आपने रजिस्टर्ड हेयर करा, मैं आपको चूंकि मैं एक बार कर चुका हूँ मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ। लोग कोई ओटीपी वगैरह नहीं भेज रहे हैं, कोई भी मैं पासवर्ड यूज कर सकता हूँ, मैंने भाई यूज करा ताकि काम चल जाए, मैं दोबारा ना करना पड़े। तो मुझे लगता है बेसिकली वही रहता है ना कि एक कैरेक्टर होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हो गया, हमने हमने रजिस्टर करा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेन पेज खुल जाएगा देखिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सब लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। बच्चे की फोटो लगेगी, बच्चे की उसकी लगेगी जो इंश्योर्ड पर्सन है, फादर या मदर। लिखा हुआ है कि 100 KB मैक्सिमम साइज होना चाहिए, डिमेंशन 350x350 पिक्सल, JPG, राइट। अब देखिए इंश्योरेंस नंबर होता है, ऑफ कोर्स जो इंश्योर्ड पर्सन है मतलब पेरेंट, उनका नाम, बच्चे का नाम, बच्चे का नीट रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ बच्चे का। 20 मई 2022 को आपकी क्या एज थी, क्योंकि इसमें वो फीमेल को लेकर है कि ये जो इंश्योरेंस है शायद मैक्सिमम 25 साल तक के बच्चों को ही मिलता है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर की भी ऑप्शन दी है। अब सबसे देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है जो ऊपर से भी निकला है, कॉपी ऑफ, आप कब से जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, वेज स्लिप फॉर मार्च 2022, इस साल के। दैट मीन्स ये जो इंश्योर्ड पर्सन है ना, इनके पास वे स्लिप होनी चाहिए मार्च की, नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस फ्रॉम कट ऑफ डेट आई तो पिछले 12 महीने की, या डेट ऑफ एंट्री एम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने वही कहा कि जो एक बहुत बड़ा वो मिल गया है लूप होल। देखिए एक जमाने में 2 साल पहले तक ये 5 साल हुआ करता था, मतलब जो लोग 5 साल से ESI में जॉब कर रहे हैं उन्हीं को बच्चों को मिलता था कोटा, फिर ये 1 साल हो गया। लेकिन ये तो नोटिस ये बताता है कि अगर आप जनवरी में भी कहीं पर जॉब ज्वाइन कर ले और मार्च तक आप जॉब करोगे तो भी आपके बच्चे को मिल जाएगा ये सर्टिफिकेट। आप मान के चलिए कि सरकारी सीट में बिल्कुल 50 मार्क्स का फर्क पड़ जाता है, विच इज ह्यूज। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अलग बेनिफिट है, अगर परमानेंट डिसेबिलमेंट बेनिफिट है तो आप जॉब नहीं भी कर ले तो भी चल जाता है, और आप इस सबको करके प्रीव्यू दबाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। अब चूंकि मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मेरे पास कोई इंश्योरेंस नंबर या वो सब नहीं है फिलहाल। तो ये है सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था उस दिन कि 2023 के बैच के बच्चों के लिए अगर वो चाहें। और फिर किसी ने मुझसे पूछा सर ये सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, तो मैंने कहा कि देखिए ESI एक सरकारी चीज है, जिन लोगों की 21,000 से कम सैलरी होती है उनका ESI कटता है। तो आप चाहे बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, आप अगर अपनी नौकरी कहीं पर लगवा लें किसी दोस्त की फैक्ट्री में या जानकार में, और वो आपका ESI काट के जमा कराए तो भी आप इस कोटे को, आपको मिल जाएगा। और इस कोटे के मिलने से ना आपकी बाकी परफॉर्मेंस में फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो देखिए ये जो कोटा है ना, ये ओवर एंड अबव है। लेट से आपके 630 नंबर आ गए और आपको, हम मानते हैं दिल्ली का बच्चा है, 650 आ गए और आपको मौलाना आजाद मिल रहा है, तो जस्ट बिकॉज आपके पास ESI था आपका मौलाना आजाद की सीट नहीं जाएगी। तो ये जो कोटे को ESI के जो कॉलेजेस है ना वो बहुत स्पेसिफिक है। देखिए जब आप फिजिकल डिसेबिलिटी का कोटा ले लेते हैं तो फिर जनरल से हट जाते हैं, तो ये जो ESI का कोटा है ये समझ लीजिए बिल्कुल यूनिक सीटें हैं, मोर लाइक सेंट्रल पूल। ठीक है, तो
इसमें अगर आप आ रहे हैं और आप नॉर्मल सीट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ESI के लिए भी कर सकते हैं। तो जब नीट का फॉर्म भरते हैं तभी आप अपने आप को बता चुके हैं कि मैं ESI के अंदर आता हूँ, अब आप इस सर्टिफिकेट को ले लेंगे और फिर जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप इसको अपलोड करेंगे। काउंसलिंग के टाइम में देखिए, अब हम अपने आप को ESI नहीं दिखा सकते, तो ध्यान कीजिएगा कि ये हमें नीट फॉर्म के दौरान करना होता है। सच बताऊं मैं, मेरा तो 10 साल का एक्सपीरियंस है MBBS इंडिया ही काउंसलिंग में, तो कुछ लोग तो ऐसे थे पहले जो 5 5 साल पहले प्लानिंग करते थे जिन्हें ये पता था, और अमीर अमीर लोगों को मैंने देखा है कि वो जब उनका बच्चा 8th में पहुंचता था और वो जानते हैं कि मुझे बच्चे को डॉक्टर बनाना है या बच्चा बनना चाहता है, तो कहीं पर अपना ESI बांध लेते थे ताकि ये बेनिफिट मिल जाए। सो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज कॉल प्लानिंग, प्लानिंग इन द राइट डायरेक्शन, इट्स अ लीगल थिंग टू डू, देयर इज नथिंग इलीगल यू आर डूइंग। आपका ESI अगर कट रहा है, आप इंश्योर्ड पर्सन में हैं, तो कोई आपको टेंशन चिंता नहीं है। तो और जो इस साल के लोग हैं 2022 वाले जेन्युइन ESI वाले, वो प्लीज अपना वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए। बाकी जो प्रोसेस थी वो उस ब्रोशर में लिखी हुई थी जो हमने पहले डिस्कस करा था, राइट, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। लेकिन ये जो काम जो उस दिन बचा हुआ था और हम लोग नहीं कर पाए थे, ये अब हम कर लेते हैं, ठीक है। ये जो पूरा ब्रोशर था ना, इस ब्रोशर में पहली चीज यही था कि हमने अपने आप को जो रजिस्ट्रेशन करवाना था तो वो हम करवा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो लिंक ओपन नहीं था, हाउ टू अप्लाई वाला। अब आगे है कि हम ऑनलाइन लिंक अप्लाई करेंगे, फॉर्म हम फिल करेंगे, फॉर्म इज कंप्लीट, हम प्रिंट आउट लेंगे, साइन करेंगे, और जो कंसर्न हमारा ESI का ब्रांच ऑफिस है वहां पर जमा कराएंगे विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और फिर हमको जो भी चीजें देखिए वो पेज नंबर 4 पे लिखी हुई है ब्रोशर के, और हमें और क्या क्या लेके जाना है उस दिन वहां पर। और ESI कार्ड वगैरह उसी को मिलता है जिसके पैसे कट रहे हैं, और ESI कार्ड बनने में समय लगता है। तो जो मैंने कह तो दिया 3 महीने, लेकिन आइडियली ये है कि हम 1 साल पहले ही कहीं नौकरी पकड़ लें तो भी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि ESI कार्ड बनने में 3 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है। और आपका काम हो जाएगा, तो आपको क्या क्या करना है वो इस ब्रोशर के पेज नंबर 5 4 5 6 में लिखा हुआ था, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। और वैसे भी अब एडमिशन सीजन स्टार्ट है, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है और जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, कॉल अस ऑन अवर नंबर 9643362320। अब बहुत सिंपल है क्योंकि नीट का पेपर हो चुका है, फर्स्ट टॉक विद मी कॉस्ट 5000 रुपीज, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि इन मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी, प्राइवेट में कौन सी आराम से मिल जाएगी, किसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, एंड देन बेस्ड ऑन योर डिसीजन, पेरेंट्स डिसीजन, आवर पैकेज एक्चुअली गोज फ्रॉम 30,000 रुपीज टू 1.5 लाख। जी हाँ, क्योंकि सीधा मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, जितना काम उतना दाम। तो कोई मेरे को बोलते हैं सर 660 नंबर है, हमें पता सरकारी सीट पक्का मिल जाएगी 30,000 रुपीज। कोई बोलता है 500 नंबर है जी सर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यूपी का फॉर्म भरना है, जो सीट मिल जाए हम लेके खुश हैं, बिल्कुल सेम फीस रहेगी 35-40,000। कोई बोलता है जी नंबर तो 500 है लेकिन यूपी इज नॉट माई फर्स्ट चॉइस, मैं चाहता हूँ कि मैं केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना और उसके अंदर भी ये जो मेरे कुछ चुनिंदा कॉलेज हैं ये ट्राई करूँ, और ये सब ना मिले तो फिर मैं बैकअप के तौर पे हरियाणा यूपी लू, तो भाई फिर उसकी फीस 1.5 लाख तक भी चली जाती है। सो अवर चार्जेस आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन आप हमसे कितना काम कराना चाहते हैं, आप बेस्ट कॉलेज लोएस्ट फीस जो कि पॉसिबल है इन द लीगल टर्म्स वो लेना चाहते हैं तो फीस मेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि सारा काम मैं अपने हाथों से करता हूँ, खुद करता हूँ, ताकि कहीं कोई गलती ना हो। अदर देन द वेरी वेरी बेसिक कोऑर्डिनेशन पेरेंट्स से स्टूडेंट्स से, अगले 3 महीने में हमें हमेशा डायरेक्ट बात करता हूँ। और देखिए जी, समय तो मेरा लिमिटेड है ना, और मैं सभी को कहता हूँ कि मैं मैक्सिमम 50 क्लाइंट लेता हूँ ताकि मैं उनका काम अच्छे से कर सकूँ विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी प्रॉब्लम, और इसी वजह से उतनी फीस है, ठीक है। सो नमस्कार, बेस्ट विशेष, अब नीट हो भी गया है तो एडमिशन पे ध्यान दीजिए, बाय बाय।